देहरादून में रोडवेज के संयुक्त कर्मचारी जाएंगे 17 तारीख से हड़ताल पर। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश महामंत्री दिनेश पंत ने बताया कि 17 तारीख की मध्य राशि से हड़ताल का नोटिस है हमारा, और हमारा जो मुख्य बिंदु है वेतन को लेकर है। 3 माह से वेतन बहुत ही लेट मिल रहा है, इससे कर्मचारी बहुत ही परेशान है। उसके अलावा हमारे जो मृतक आशिक हैं उनकी काफ़ी लंबे समय से यहाँ भर्ती नहीं हो पाई है, नियमित भर्ती बिल्कुल बंद है, कर्मचारी सेवा निमृत हो रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर 11 सूत्री की मांग पत्र हमारा है। हमारी 17 तारीख की मध्य रात्रि से हड़ताल का नोटिस हमारा है, और हमारा जो मुख्य बिंदु है पहले तो वेतन का ही है। यहाँ 3 माह से वेतन बड़ा लेट जो मिल रहा है उससे कर्मचारी बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके अलावा हमारे जो मृतक आशित हैं उनकी काफ़ी लंबे समय से यहाँ भर्ती नहीं हो पाई, नियमित भर्ती बिल्कुल बंद है, लगातार कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो ये कई मुद्दों को लेकर 11 सूत्रीय मांग पत्र हमारा है, और इन मुद्दों को लेकर हमारी जो है 17 तारीख की मध्य रात्रि से हड़ताल है, और तीनों क्षेत्रों में आज भी हमारी बैठक थी यहाँ देहरादून की, उधर टनकपुर और कुमाऊँ क्षेत्र में भी हमारी बैठक चल रही है। और हालांकि 7 तारीख को अभी जो 7 तारीख गई है 7 मार्च को प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा वार्ता बुलाई गई थी, उसमें काफ़ी बिंदुओं पर कुछ कार्रवाई का आश्वासन उन्होंने दिया था, लेकिन उसमें कोई आदेश अभी तक नहीं निकल पाए। तो कई बिंदु उसमें हैं लेकिन आदेश नहीं हुए हैं। तो अभी कल का दिन निगम मैनेजमेंट के पास और शासन के पास कल का दिन अभी और है, कल शाम तक अगर कोई सकारात्मक कार्रवाई अगर दोनों तरफ से कहीं से होती है, बुलाया जाता है, तो उस पर विचार किया जाएगा, अन्यथा 17 तारीख की मध्य रात्रि से बिल्कुल हड़ताल हमारी निश्चित है।